तो इस वक्त हम बम्बोर पहुंच चुके हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, ठीक है, इस तरह का गेट है। और ये कुछ इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है जी। तो यहाँ से जैसे ही हम इंटर होते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगी टिकट, ठीक। तो ये म्यूज़ियम है इधर का, बम्बोर म्यूज़ियम। ये सामने आपको एक गार्डन मिलेगा, यहाँ पे गेस्ट हाउस भी हैं, रेंट पे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, स्टे करने का भी है, कैंटीन भी है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो म्यूज़ियम है ये अभी कर दिया इन्होंने बंद, क्योंकि ये 5 बजे तक खुला होता है, तो हमें थोड़ा लेट हो गया, 5:15 हो गए, तो ये अभी क्लोज। तो ये है इसकी एंट्रेंस, इसमें ये इन्होंने उस जमाने की तोप रखी हुई है, ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये है कैंटीन है इनकी, और ये रूम्स बने हुए हैं, अगर किसी ने रेंट पे रूम्स लेने हैं, इसके साथ ही वॉशरूम्स हैं, तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी शुरुआत होती है हमारी। अच्छा, ये कुदरती झील इन्होंने बनाई हुई है, बल्कि बनाई नहीं, कुदरती झील है यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब कि कहते हैं कि सस्सी जो थी वो किसी बॉक्स में इसी झील से मिली थी, एक बॉक्स तैरता हुआ आया था, उसमें से खोला गया। यहाँ पे धोबी घाट था, ये पुराना धोबी घाट है यहाँ का, यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते थे। तो एक धोबी को वो बॉक्स था किनारे पे मिला, तो उसने फिर जब ये खोला तो वहाँ से उसमें से निकली थी सस्सी। कुछ ऐसी स्टोरी है यहाँ की, जो कि यहाँ के मुकीमी लोग जो हैं वो बताते हैं। ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये भी आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छा पुरसकून एरिया है, गार्डन भी इन्होंने बनाया हुआ है। अब किला यहाँ से शुरू होता है, किला तो अगर हम देखें यहाँ से काफ़ी दूर जाके, ये किले की बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही होंगी। अब हम आपको यहाँ पे करते हैं पॉज, और किले के पास पहुँच के आपको बताते हैं क्या है। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ तक, ये देखें ये लिखा हुआ है आउटर सिटी। आपको ये जनाब सूरज कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाउंड्रीज हैं किले की, पत्थरों की बनाई हुई। ये स्टेयर्स हैं, ठीक है जी। कुछ इन्होंने इंडिकेशंस जो हैं वो किला शुरू होने से पहले ही आप लोगों को दी हुई है, मतलब उन्होंने स्टील की वायर से सर्कल बनाए हुए हैं जहाँ पे उनके पहले घर होते थे, जो कि अब बिल्कुल भी सिर्फ उनका एक निशान सा है। तो उन्होंने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर इनकी मस्जिद होती थी और यहाँ पे घर होते थे, ये गलियाँ और ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, ये रोड पे चल रहे हैं हम, जो उस ज़माने में पहले रोड हुआ करती थी, अभी तो ये बिल्कुल मिट्टी है। ये कुछ सीवरेज लाइंस जो कि टूट चुकी हैं सारी, और हम अभी जा रहे हैं जनूबी एशिया की जो पहली मस्जिद है वो भी इसी जगह पे है, बम्बोर में। अच्छा जी, यहाँ की दीवार, और जनाब ये है ग्रैंड मॉस्क्यू, ये जनूबी एशिया की पहली मस्जिद है, ठीक है।
ये है वो मस्जिद, यहाँ पे हम नंगे पहुँच जाएंगे। हमने जॉगर्स पहने हुए हैं इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर ये जो मार्बल लगा हुआ है ये सारा पत्थर का है, रेड पत्थर लगा हुआ है सारा। ये है जनूबी एशिया की पहली मस्जिद जो कि उस ज़माने में कायम की गई थी। यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे लोग। इसी के साइड पे एक गली जा रही है, ये देखें, ठीक है, ये भी एक गली है। हम जहाँ से आए हैं वो गली, ये रास्ता ये है, ठीक है, हम यहाँ से आए हैं। इसी तरह एक रास्ता इधर का है, यानी कि मस्जिद के चारों तरफ आपको गलियाँ मिलेंगी, रास्ते बने हुए। इसी के आप जब टॉप पे जाएंगे, अब ये देखें, ये कुछ घर थे ये पहले, जो कि अब सिर्फ इन्होंने निशान लगाए हुए हैं। ये रास्ता था मस्जिद का, ये जाता था, ये रास्ता बना हुआ, ये ऐसे ये ऊपर सीढ़ियाँ मस्जिद की। ये पूरा एक, अब ये देखें, ये है झील, इस गांव के बिल्कुल बैक साइड पे पानी था झील का। पुरसकून सी जगह है, सामने सूरज, यहाँ पे ये सारी ग्रीनरी चल रही है हमारे साथ साथ। अभी हम झील की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप जब यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जब आप यहाँ का विज़िट करेंगे ना, तो क्योंकि सिर्फ बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं उन्होंने, बाउंड्रीज़ से इतना नहीं पता चलता कि क्या जगह है, तो वहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि ये स्कूल था, ये मस्जिद है, जैसे मस्जिद पर लिखा हुआ था। सामने आपको विंटर पाइंस नज़र आ रही होंगी, चलती हुई। यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि विंटर पाइंस से बनता है। विंटर पाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। ये सामने अगर आप देखें, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये विंटर पाइंस लगी हुई है। सूरज भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है ये मगरिब का हो रहा है। मगरिब जो है वो अभी होगी, असर हो चुकी है और मगरिब होने वाली है जी। ये देखें, अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ, ये देखिए इस टाइप के बोर्ड है, क्रीक है, ये इनका मेन गेट है, ठीक है जी। ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, और ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये झील है। अब इसके पास जाते हैं, पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो हम ये पहुँच चुके हैं बिल्कुल पानी के नज़दीक, लेकिन आगे जो है हमने पहने हुए हैं जॉगर्स, और आगे जो है ये थोड़ी सी जगह है, क्योंकि पानी जो है इस दफ़ा काफ़ी पीछे जा चुका है, नहीं तो ये यहाँ तक पानी था जहाँ पर मैं खड़ा हुआ, तो पानी काफ़ी पीछे जा चुका है। तो जब ये पानी अपनी पीक पे होता है तो यहाँ पे बोट्स चल रही होती है ना, तो यहाँ पे फिर बोट्स भी चलती हैं। देख रहे हैं आप, पानी काफ़ी नीचे जा चुका है, नहीं तो ये जो मिट्टी है ये आपको नज़र नहीं आती यहाँ पे, और यहाँ पे बोट्स चल रही होती हैं। अभी सूरज देखें कितना, ये अभी हम जा रहे हैं इनके रूम्स जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो देखने के लिए। यहाँ पे दो तीन कैटेगरीज के रूम्स हैं जो आपको किले की तरफ मिलेंगे, उनका रेंट है 1500, और जो इस साइड पे हैं इनका रेंट अभी मालूम करते हैं, और जो आपको गार्डन साइड पे मिलेंगे उनका रेंट डिफरेंट है, 2500, 3000, 4000।
ये देखो जी, अच्छा ये इसकी एंट्रेंस है, इसके पास भी गार्डन है। ये देखें चेयर्स वगैरह भी है, एक गार्डन ये भी दिया हुआ है, यानी काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है उन्होंने। ये देखें जी, ये एसी वाला रूम है, आपको एसी भी यहाँ पे मिल जाएगा। डबल बेड है, ये आपको ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएगी। ये वॉशरूम है यहाँ का, इसमें WC भी है, कम्बोर्ड भी है जी। इस तरह के रूम्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझे अगर कोई फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, यहाँ पे रुकना चाह रहा है, तो वो आराम से रुक सकता है, स्टे कर सकता है। ये इनके साथ मीटिंग रूम है, जहाँ पे खाना वगैरह आप आराम से खा सकते हैं। और इसके साथ एक रूम ये है, ये भी डबल बेड है, एसी और उसी तरह बनाया हुआ है। तो एक यानी बड़ी फैमिली भी यहाँ पे स्टे कर सकती है।